good morning students so this is the topic that is relationship between total utility and the marginal utility so this is one of the most important question of this chapter as i already said that there that there are two important question uh, questions are there in in this chapter that is chapter number 3 one is the law of diminishing marginal utility that is most been asked in the examinations and same as with relationship between the tu and mu sometimes the question can be framed in uh, six marks and three marks for the law of diminishing marginal utility and three marks for this okay and sometimes uh, six marks question will be there of only relationship between tu and mu and sometimes law of diminishing marginal utility okay so this and that topic law of dmu and relationship between tu and mu is very very important from the exam point of view so, uh, the relationship between the TU and MU can be explained with the help of a table and the diagram. So, what we will do is we will start with a table first and then we will proceed to the diagram. So, we are taking the quantities that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Next, we will start with marginal utility as I एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लॉ ऑफ डीएम यू दट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन मार्जिनल यूटिलिटी टेंस टू डिक्लाइन कि जैसे जैसे हम कंजम्पन करते रहते हैं कॉमोडिटीज का मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव होती है हर एक सक्सेसिव यूनिट से वो डिक्लाइन होती चली जाती है ठीक है तो लेटे सपोज यहां पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी पहले सिक्स एट ले ली ठीक है देन अगेन जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव होगी टेंड्स टू डिक्लाइन डिक्लाइन कर दिया हमने यहां पर एक समय की एक समय पे आता है कि पहले डिक्लाइन होती है फिर जीरो हो जाती है और उसके बाद नेगेटिव हो जाती है ठीक है लॉ ऑफ डीएमयू में मैंने आपको यही चीज बताई दी अगर आप यहां पे भी ध्यान से देखें कि पहले डिक्लाइन होती है फिर जीरो होती है और फिर माइनस में चली जाती है ठीक है तो आप सेम टेबल भी यूज कर सकते हैं जो मैंने यहां पे ली है बस एक और कॉलम का मैं यहाँ पे एडिशन करूंगी ठीक है तो वो कॉलम किसका होगा टीयू का ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टीयू इज समेशन ऑफ एमयू मैंने आपको बताया था कि टी यू जो होता है वो एमयू का समेशन होता है तो चलिए तो एट है तो यहां पे भी एट रहेगा समेशन का मतलब क्या है एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस जीरो ट्वेंटी एंड ट्वेंटी माइनस टू इज योर एटीन ठीक है आ गया समझ में तो mu इस वाले फॉर्मूले के थ्रू अगर हमारे पास mu आ गया तो mu का जब मैं समीक्षण करती रहूंगी तो ऑटोमेटिकली टी हुआ आ जाएगा ठीक है अब देखिए इसका रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है कि टी यू जो होता है वो MU का समीशन होता है जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखाया कि एट प्लस सिक्स फोर्टीन एट प्लस सिक्स प्लस फोर एटीन और सहूलियत के लिए मतलब फॉर योर इजीनेट यू इजीनेस यू कैन टेक एट एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस टू एटीन ठीक है पहली ये हो गई जिसके थ्रू हमने टेबल डिराइव करी नेक्स्ट चीज क्या है नेक्स्ट रिलेशनशिप कि एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा तब तक टी यू इंक्रीज करता रहेगा ठीक है देख लेते हैं एट इज ए पॉजिटिव नंबर सिक्स इज ए पॉजिटिव नंबर फोर इज ए पॉजिटिव नंबर टू इज ए पॉजिटिव नंबर तो यानी कि जब तक आपका एम यू पॉजिटिव है इन सभी में ही एमयू पॉजिटिव है ये देखिए इन सभी में ही एमयू पॉजिटिव है ना तो टीयू तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एमयू पॉजिटिव है तो देख लेते हैं कि क्या वाक्य में ही टीयू बढ़ रहा है तो एट से फोर्टीन आया फोर्टीन से एटीन एटीन से ट्वेंटी यानी कि इंक्रीज ही हो रहा है तो यानी कि जब ये जब तक ये आपका पॉजिटिव है टीयू तब तक बढ़ता रहेगा ठीक है नेक्स्ट टीयू एमयू इनक्री डिक्रीज तो हो रहा है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एट से सिक्स गया सिक्स से फोर गया फोर से टू गया ठीक है ये पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज तो हो रहा है ना नंबर्स तो अगर आपके एम डिक्रीज होगा जो कि होगा ही ठीक है तो टीयू बढ़ेगा तो सही टीयू एट से फोर्टीन फोर्टीन से एटीन एटीन से ट्वेंटी बड़ा ही है लेकिन कौन से रेट से डिक्रीजिंग रेट से ठीक है कौन से रेट से डिक्रीजिंग रेट से यानी कि ये बढ़ तो रहा है एट से फोर्टीन बड़ा फिर फोर्टीन से एटीन बढ़ा एटीन से ट्वेंटी बढ़ा ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है जैसे जब एट से फोर्टीन पे जंप मारा तो सिक्स से बढ़ा ये फिर जब फोर्टीन से एटीन पे गया तो ये फोर से जम्प किया एटीन से जब ट्वेंटी पे गया तो सिर्फ दो का ही जम्प किया ठीक है इसका मतलब क्या है यहां पे सिक्स का जंप यहां पे फोर का जंप इन दोनों में डिफरेंस देख लेना तो यहां पे एट और फोर्टीन और एटीन में सिक्स का डिफरेंस है एटीन और फोर्टीन में फोर का ट्वेंटी और एटीन में टू का तो इसका मतलब पहले सिक्स से जंप मारा फिर फोर से जंप मारा फिर टू से जंप मारा इसका मतलब पहले सिक्स फिर फोर फिर टू डिक्रीज हो रहा है ना तो इसका मतलब एमयू आपका अगर डिक्रीज हो रहा है एमयू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो टीयू भी इंक्रीज तो होगा वो तो हमें दिख रहा है कि एट से फोर्टीन हुआ फोरटीन से एटीन हुआ बड़ा बड़ा ही है लेकिन कौन से ले रेट से बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से ठीक है तो MU डिक्रीज़ेस देन टी यू इनक्रीज इज विद डिक्रीजिंग रेट नेक्स्ट यहां तक हमने पढ़ लिया उसके बाद जीरो पे आ गया कि वेन MU इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम हाइएस्ट वेन MU इज जीरो TU इज मैक्सिमम जब एम यू आपका जीरो होगा तो TU क्या होगा मैक्सिमम नेक्स्ट आ जाता है हमारा और इसी पॉइंट पे यू मैक्सिम होता है और जब एम यू जीरो होता है और टी यू मैक्सिमम होता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैच्युरेशन क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैच्युरेशन या फिर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सैट्यूटी एस ए टी आई ई टी वाई सेट्यूटी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहां तक हो गया हमारा उसके बाद जीरो के बाद नेगेटिव है तो वेन एमयू इज नेगेटिव जब एमयू आपका नेगेटिव हो जाता है तो आपका टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग जैसे ही ये नेगेटिव हो गया ट्वेंटी से एटीन पे आ गया यानी कि ऑटोमेटिकली अब तक तो देखो इंक्रीज हुआ ये लेकिन ट्वेंटी से अगर एटीन यानी कि घटा है ठीक है तो वेन एमयू इज नेगेटिव यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग ठीक है तो बहुत ही सिंपल uh, सा है ही और बहुत ही पांच ही हैं बस रिलेशनशिप जो कि आपको लर्न करने हैं विद द टेबल एंड द डायग्राम सबसे पहले टीयू इज द समेशन ऑफ एमयू सिंपल जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा टीयू इंक्रीज होता रहेगा जब एमयू डिक्रीज होगा तो टीयू इंक्रीज तो होगा ही बट डिक्रीजिंग रेट से जब एमयू जीरो होगा तो टीयू मैक्सिमम होगा और इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं और जब एमयू आपका नेगेटिव होगा तब टीय स्टार्ट स्टिकलाइनिंग ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं ये रा टीयू और ये एम यू ठीक है यू आपने ऑलरेडी यहां लॉ ऑफ डीएमयू में देखा ही था कि ये डिक्रीज हो रहा है देखिए है ना तो यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे ठीक है ये हमने यू एक्स किया ठीक है अब देखिए मैंने आपसे यहां पे क्या बोला है कि जब एमयू जीरो होगा तब टीयू मैक्सिमम होगा ना तो हम इसी डायग्राम को आगे फर्दर क्रिएट करते हैं इसको इस तरीके से आप बनाएंगे ठीक है और उसके बाद जहां पे जीरो है स्ट्रेट लाइन यहां पे आपको खींचनी है उसके बाद एक डायग्राम में इसको क्योंकि टीयू पहले इंक्रीज हो रहा है एट से फोर फोर्टीन फोर्टीन से एटीन ट्वेंटी एटीन मतलब ट्वेंटी तक हमें इंक्रीज कराना है ठीक है और जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया उसके बाद 18 हो जाएगा ये और 18 कब होगा जब एमयू डिक्लाइन हो रहा है मतलब आई मीन टू से एमयू नेगेटिव हो रहा है अब देखिए यहां पे इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद एमयू डिक्रीज हो रहा है ना अगर सॉरी एमयू नेगेटिव हो रहा है तो जैसे ये एमयू नेगेटिव होगा हम टीयू को उसी पॉइंट से गिरा देंगे जैसे यहां पर एमयू नेगेटिव हुआ और वहां पर टीयू डिक्लाइन हो जाएगा तो इसका मतलब इस तरीके से ठीक है तो ये आपका डायग्राम बन गया क्लियर है यहां पे TUX एक्स लिखेंगे क्योंकि ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम है और ये MUX का डायग्राम है ठीक है अब जैसे कि मैंने आपको बताया जहां पे भी टी यू होगा और MU जीरो होगा तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर या फिर पॉइंट ऑफ सेटी बोलते पॉइंट ऑफ सेटिईटी बोलते हैं ठीक है सो so ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है नेक्स्ट आ जाता है कुछ कुछ टर्म्स जो कि मुझे आपको बतानी है वेरी नेसेसरी ठीक है पहली चीज कि टयू हमेशा पहले इंक्रीज होता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और डिक्लाइन हो जाता है यहां पे आपने देख ही लिया होगा पहले ऊपर जाएगा बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा और देन डिक्लाइन नेक्स्ट है कि एमयू का जो स्लोप है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट तो ये देखिए एमयू का स्लोप है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट नेक्स्ट चीज है रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी को ही एमयू बोलते हैं रेट का मतलब क्या है जिस रेट से जिस स्पेस से टीयू इंक्रीज हो रहा है या जो भी हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट तो रेट ऑफ टोटल क्या होता है एमयू उसी तरीके से स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी को भी हम लोग क्या बोलते हैं एमयू बोलते हैं ठीक है थीके? हर एक चैप्टर में जब भी स्लोप ऑफ टी में कुछ भी एडिशन होगा तो उसका एम ही आंसर होगा यानी कि स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी को ही एमयू बोलते हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ट्यू इज द सम टोटल ऑफ एमयू करस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी कि जो टीयू होता है यहां पे हमने लिख दिया टी सम सम का मतलब है समेशन टोटल ऑफ एमयू यानी कि एमयू का टोटल तो इसको कई बार प्रूफ करने के लिए एक बार आ जाता है तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि यहां पे जैसे हमने एक डायग्राम बनाया एमयू हमेशा डिक्लाइन ही जाती है तो हमने यहां पे डिक्लाइन कर दिया उसको तो हमने क्या बोला कि ये जो एमयू हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं तो इसके जितने भी एरिया होता है तो वो सारा टयू होता है तो मतलब जो टीयू होता है वो एमयू के अंडर आने वाला एक तरीके से एरिया होता है ठीक है तो यानी कि जो टयू है इज द एरिया टी इज द एरिया अंडर द एमयू कर्व यानि की एम यू कर्व के अंडर आने वाला एरिया जितना भी होता है करेस्पोंडिंग टू ए गिवन लेवल ऑफ कंजम्शन ऑफ ए कॉमोडिटी यानी कि ये यूनिट्स की बात कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्यू बोलेंगे तो ट्यू क्या है ट्यू इज द एरिया अंडर द एमयू कर्व यानि की एमयू कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है दैट इज ओ एल एस टी या ओ टी एस एल जो भी आप लेना चाहते हैं तो ओ एल एस टी जो भी एरिया यहाँ पे आ रहा है उसका जब मैं टोटल करूंगी इस शेडेड एरिया को ही हम लोग बोलते हैं डीयू क्लियर है ठीक है लास्ट आ जाता है आपका इसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा दैट इज इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विबरियम है उसका वन कॉमेडिटी केस और टू कॉमेडिटी केस है बट वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा अभी उसको हटा दिया गया है तो हम सिर्फ डेफिनेशन करेंगे क्योंकि डेफिनेशन पूछी जा सकती है बट आगे इसके फर्दर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ठीक है तो कंज्यूमर इक्विबरियम क्या है वैसे मैं आपको ये बता चुकी हूं अगर आपने स्टार्टिंग वाली वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो मैंने यहां पे आपको ये लिखवाया था कंज्यूमर वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज सेटिसफेक्शन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इसी को ही थोड़ा सा बोला गया है यहां पे और इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं कंज्यूमर इक्लिबीरियम ठीक है तो चलिए कंज्यूमर इक्लिबीरियम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा तो कंज्यूमर ज इन इक्विबिरियम कंज्यूमर इक्लिबिरियम में कब होगा या क्या होता है तो कंज्यूमर को इक्विबिरियम तब होगा जब उसकी गिवन हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइजेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जब वो अपने एक्सपेंडिचर को कुछ इस तरीके से प्लान करता है ताकि वो अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर पाए मैक्सिमाइज कर पाए वो ये चीज है कि जब आपके पास अपनी इनकम है और आपने प्राइस देखा किस तरीके से आप अपने खर्चों को मैनेज करोगे इस तरीके से ताकि आप अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर पाओ मैक्सीमाइज कर पाओ उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंज्यूमर इक्विबिरियम ठीक है बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कंज्यूमर इज इन इक्विबिरियम when given his income and market price he plans his expenditure on goods and services in such a way is tarike se that he maximizes total satisfaction is called consumer equilibrium theek hai to yahan pe chapter wind up hota hai in case agar aapko koi bhi query आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं Consumer equilibrium की definition ज्यादा जाद ज्यादा एक या दो number में ही आ सकती है ज्यादा detail में नहीं आएगा but main ये important question है और ये रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतने ही पेज में है ये देखिए ये सिर्फ ये वाला पेज है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एमयू का थोड़ा मैंने कंसाइज किया है बट आप अपने अकॉर्डिंगली पेज को यूज कर सकते हैं और यहां पे ये जो नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें अलग हैं दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट इज रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एमयू ये एक अलग चीज है अलग अलग स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको कराए हैं और अदरवाइज जो रिलेशन है वो यहीं यहीं तक है तो जब आप रिलेशनशिप बनाओगे आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ठीक है थैंक यू सो देर इज वन मोर थिंग रिलेटेड टू योर डायग्राम एक बार मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट वॉज लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो सो so, इसमें जैसे कि मैंने आपको हर एक रिलेशनशिप बताई कि पहले एमयू डिक्लाइन होगा फिर जीरो होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा और टी यू पहले इंक्रीज होगा फिर मैक्सिमम होगा फिर डिक्लाइन हो जाएगा है ना तो इसको किस तरीके से रिलेशनशिप में देखना है देखिये एमयू जब डिक्रीज होता है ना एम यू जब क्या होता है डिक्रीज होता है यहां तक डिक्रीज हो रहा है ना तो हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ी थी कि वेन एमयू डिक्रीजेस वेन एम यू डिक्रीजेज टी यू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कौन से रेट से डिक्रीजिंग रेट से तो यहां पर हम क्या लिखेंगे टी यू इंक्रीजेस विद ए डिक्रीजिंग रेट टी यू इंक्रीज टी तो यू इंक्रीजेस विद ए डिक्रीजिंग रेट ठीक है यहां पे जब एम यू डिक्रीज हो रहा है तो टी यू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कौन से रेट से डिक्रीजिंग रेट से ठीक है नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था नेक्स्ट रिलेशनशिप वेन MU इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम तो देखिए यहां पे MU जीरो है इस पॉइंट पे तो यहीं पे टी यू क्या है हमारा मैक्सिमम है ठीक है अब नेक्स्ट आ जाता है एमयू इज नेगेटिव यहां पे जब एक्स एक्सेस के नीचे गया तो एमयू नेगेटिव हो गया तो जैसे ही एमयू नेगेटिव होगा यहां पे टीयू क्या हो जाएगा स्टार्ट डिक्लाइनिंग तो टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग ठीक है तो ये रिलेशनशिप समझ में आ गई इस रिलेशनशिप की हेल्प से आप ये बना लेंगे और ये दोनों जो है एक तरीके से टेबुलर में है कि MU अगर आ जाएगा तो टीय निकालना बहुत आसान हो जाएगा एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोरटीन प्लस फोर एटीन इस तरीके से और MU जब तक पॉजिटिव है ठीक एक है एक्सिस के ऊपर है यानी कि ये देखिए एक्सिस के ये यहां पे इसका मतलब क्या है एमयू यहां पे डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एमयू यहां पे पॉजिटिव है ये देखिए एमयू जब तक पॉजिटिव रहेगा तो टीयू इंक्रीज होता रहेगा और अगर एमयू पॉजिटिव तो है लेकिन डिक्रीज हो रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है तो टीयू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से ठीक है तो ये चीज हो जाएगी कि एमयू पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो रहा है अगर एमयू डिक्रीज हो रहा है तो विद इंक्रीज तो हो रहा है विद डिक्रीजिंग रेट जब ये एमयू जीरो है तो टीयू मैक्सिमम है जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड पॉइंट ऑफ सेटीटी भी बोलते हैं जब एमयू नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू स्टार्ट ड्लाइनिंग ठीक है क्लियर है ये बात आपको ठीक है ओके